वाराणसी जंक्शन से देखना है हमें कहाँ जाना है। अपने लिए हॉस्टल की तलाश करनी सबसे पहले, चलते हैं लेके आपको। हेलो जी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आ चुका हूँ बनारस में और पहुँच गया था थोड़ी देर पहले। सबसे पहले आते हमने लिया हॉस्टल। हॉस्टल लेने का भाई सबसे बड़ी समस्या कि अपना सामान कैसे सिक्योर रखें, तो उसके लिए मैंने एक लॉक लिया है। अभी उस लॉक को लगा के अपने सामान को सिक्योर करके फिर ही मैं जा सकता हूँ बाहर, तब तक नहीं जा सकता। तो लॉक लगाते हैं और चलते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बनारस कैसा है। बनारस A few hours later. मेरे साथ बैठे हैं राजी सेठ। उन्होंने मेरे को भी बताया है एक मंदिर का रहस्य, जो कि मैं इन्हीं के मुंह से जानना चाहूँगा। मैं नहीं बताऊँगा इस बारे में, इन्हीं से जानते हैं क्या है कहानी। जी सर बताइए। ये एक बहुत प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है श्री श्री महालेश्वर महादेव मंदिर। ये शिव शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। ये पहले के हमारे बुजुर्ग हमारे दादा परदादा लोगों ने ये बताते आया है कि ये मंदिर बहुत रहस्यमयी मंदिर है। मतलब ऋषि मुनिया कोई वो थे जो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे तपस्या करके भगवान के दर्शन की प्राप्ति के लिए बहुत घोर तपस्या किया। उन्होंने इस मंदिर के प्रति अपना बहुत वो किया कर मैं भगवान से चमत्कार के रूप में उन्होंने ये मांगा कि हम भगवान प्रत्येक वर्ष एक तिल बढ़ जाए मंदिर मतलब शिवलिंग, और इसी वजह से ये शिवलिंग एक तिल बढ़ता है प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के दिन एक किलो तिल के बराबर बढ़ जाता है। इसकी वजह से इस मंदिर का बहुत प्राचीन मतलब माना जाता है और बहुत कम वो माना जाता है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे ऋषि मुनि ने तपस्या करी, भगवान का प्रति उन्होंने मांगा कि ना प्रत्येक वर्ष आप ही का जो शिवलिंग है वो एक तिल के बराबर बढ़ जाए। वो बढ़ते बढ़ते आज इतना बड़ा हो चुका है। घूम लिया जाए जी बगल में जी जी संकट मोचन है, सबका दर्शन कर लीजिए। अच्छा पर इधर चल लीजिएगा, गंगा घाट आरती देख लीजिएगा। सामने आरती होगी कल, आरती तो आज भी होगी, दो होता है सामने होगा 6 बजे। पानी काफी ऊपर आया हुआ ना, हाँ तो सही होगा। उनका जो रहता है हाँ में अगर पानी आ जाएगा तो फिर कहाँ होगा, कहाँ हो पाएगा। सही बात है। पिक्चर भी बनी सनी देओल की भी बनी थी ना 80 घाट, यही बनी थी वो। पूरा पानी आ गया, बहुत पानी है। पूरा पानी है हमारे कपड़ा। यह पूरा 80 घाट जो कि डूब चुका है, अब कहीं नहीं जा सकता। अस्सी घाट के बिल्कुल साथ में ग्रीन गंगा कैफे एंड रेस्टोरेंट बिल्कुल साथ में है, और एक है ठेठ बनारसी बाटी चोखा रेस्टोरेंट जो कि अभी बंद है आज। उडुपी कैफे भी है यहाँ पर।
और इस तरफ है उडुपी श्री कृष्ण मधु मंदिर। सी घाट का व्यू तो हमें नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ पे है रविदास घाट, रविदास जी का घाट, वहाँ चलते हैं, वहाँ से देखते हैं कि हमें व्यू मिलता है या नहीं मिलता है, चलते हैं। उसके बाहर बहुत ही प्रेम पूर्वक आप लोग खड़े हैं, जो लोग भी यहाँ पे पूजन में खड़े हैं और जो लोग भी चेयर पे बैठे हैं खड़े हैं, सभी लोग मानसिक रूप से माँ गंगा के पूजन का आरती दर्शन का संकल्प करेंगे। A few hours later. हर हर महादेव, जय गंगे। आज हम enjoy कर रहे हैं, तो सब लोगों से मिलवाता हूँ आपको मेरे चैनल पे। पूरे इंडिया की अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, सबसे पहले स्वागत है आप सबका। सबसे पहले मिलवाता हूँ अपने भाई से। भाई बताओ। बनारस के स्वागता। हेलो, दिल्ली से हूँ मैं और बनारस में आपका स्वागत है। बनारस ते आपदेर स्वागत आछे। कृपा करे एखाने अवश्य आसबेन। আপনাকে জানাচ্ছি বনারসে অনেক অনেক স্বাগতম। আই এম ফ্রম দ্য নর্দার্ন পার্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ড বনারস ইজ জাস্ট অ্যামেজিং। মে আয়া থা তো সোলো, লেকিন আব মে সোলো হুন নি, ইসিলিয়ে হাম সোলো আতে কি দোস্ত মিল জায়ে। হ্যাঁ, ইসিলিয়ে হাম সোলো আতে কি কিসি সে মিল জায়ে, রাইট? এন্ড ইয়াহ পে তো 7-8 লোগো সে মিলে। হ্যালো গাইস, দিস ইজ হর্ষ, আই এম ফ্রম মুম্বাই মহারাষ্ট্র এন্ড ফার্স্ট টাইম ইন বনারস। ইউ ক্যান অলসো কল হিম মিস্টার এনআরআই। মিস্টার এনআরআই। সো just a great moment, we are from different state, hum log yahan pe mile hain, so very nice moment, we are enjoying the night, that's it, thank you. hamara to kehna hai sabke ek bar banarat aaye ke chahiye taki india ka mahol pata chale ki aakhir banarat mein aakhir ha ka jiyo marde jiya jiya ho na jiya ho jiya bihar ke lala jo inhone kaha hai na maine bhi aaj jiya hai din pura bahut maza aaya mujhe bahut maza aaya ek bar banaras aake dekho lekin ha अगर घाट पे आना है अभी मत आना, थोड़ा रुक के आना, ठीक है? बाकी सब ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम सारे लोग, तो मिलते हैं आपसे कल।